साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। तो रक्षा मंत्रालय की संसदीय कमेटी से हटा दिया गया है साध्वी प्रज्ञा को। गोडसे पर जिस तरह से बयान यहां पर दिया था, गोडसे को जिस तरह से देशभक्त बतलाया गया था साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के जरिए, उसके बाद उस बयान के बाद ये कार्रवाई उन पर की गई है। तो कल लोकसभा में गोडसे को देशभक्त बताया था, लेकिन जेपी नड्डा ने प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान की निंदा की है। हालांकि विपक्ष लगातार हमला कर रहा था पीएम मोदी पर और बीजेपी पर कि आखिरकार विचारधारा क्या है, क्या विचार रखते हैं इस पर। अब बीजेपी ने ऐसी विचारधारा का समर्थन नहीं करती है, ये कहना है जेपी नड्डा का। तो कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है और निंदा की है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के उस बयान के जिसमें गोडसे को देशभक्त बताया गया। और अब उन्होंने कहा है कि बीजेपी ऐसी विचारधारा का समर्थन बिल्कुल नहीं करती है। तो इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए थे, सवाल ये कि क्या ऐसी विचारधारा रखी जाती है। बिना नाम लिए साध्वी प्रज्ञा के बयान का जिक्र उसमें किया गया था और फिर अब जाकर कार्रवाई यहां पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर पड़ गई है। यानी कि जो विवाद चल रहा है उसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई। दरअसल आपको बता दें कि काफी बार उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं जिससे बीजेपी की किरकिरी हुई है। इस वक्त शाकिर अली जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। शाकिर जी, जो विरोध आप लोगों के जरिए किया गया, विपक्ष जिस तरह से हमलावर था बीजेपी पर और पीएम पर, तो क्या कहें कि कामयाबी आखिरकार आप लोगों को मिल गई है जो बयान गोडसे को लेकर दिया गया साध्वी प्रज्ञा के जरिए। जी नमस्कार जी। ये विरोध हमारा नहीं, ये देश का विरोध था, क्योंकि देश अब उस मोड में आ चुकी है कि वो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को समझ चुकी है देश। इन लोगों के सारे काले कर्म बाहर आ रहे हैं। ये तो पहला, अभी तो अभी इन्होंने प्रज्ञा ठाकुर को इस समिति से निकाला है। ये देश से बीजेपी को ही खत्म किया जाएगा। बीजेपी और आरएसएस वाले सारे क्रांतिकारी लोगों को जिन्होंने देश को आजादी दी उनको आतंकवादी कह रहे हैं, तो इन लोगों का वो छिट्टा खुल रहा है। और आप लोगों से क्या छिपा हुआ है, आप लोग तो हर दिन हर पल हर चीज के लिए वॉचफुल है। आप लोगों ने भी महाराष्ट्र का ही देखा, काला अध्याय के रूप में वो देखा जा रहा है। लोग किरकिरी कर, पूरे देश की जनता देख रही है। हम लोग तो खामोशी से काम करने वाले लोग हैं, हमने तो देश बनाया है। देश बिगाड़ने वालों को तो जनता देख रही है, उनको न्याय मिलेगा धीरे धीरे। लेकिन सर, ये जो अभी आप कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ मुद्दे उठा रहे हैं और कार्रवाई अंत में हो रही है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी में कभी इस तरह से हुआ है कि कुछ गलती हुई हो तो तुरंत उस पर कोई एक्शन लिया गया हो? वो तो कहीं होता हुआ नहीं दिखाई देता। आप खुद कह रहे हैं कि हमको भी पता है और आपको भी पता है। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी में इंटरनली जो अनुशासन है, जो सिस्टम है, वो देश को हमने सिखाया और सारी पार्टी हमसे सीखती है। और शायद उसी का रिजल्ट है कि आज दूसरी पार्टी भी कदम को उठाने लगी है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, कहा जा रहा है कि पार्टी से ही शायद निष्कासित की जा सकती है साध्वी प्रज्ञा, क्या आपको लगता है देरी हुई है यहाँ पर बीजेपी से या फिर ये सही वक्त है? क्योंकि बयान तो उन्होंने पहले भी कई बार दिए हैं, लोकसभा चुनावों में भी गोडसे को लेकर बयान दिया था। देखिए, उनकी मजबूरी है, वो देर तो करें, उनके पास सभी लोग वैसे ही हैं। कुछ लोग गिने चुने लोग हैं जिनको सभी लोग पसंद करते हैं और वो धीरे धीरे वो दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। बचे हुए जो इनके पास है वो सारे आरएसएस विचारधारा है, ये सब मर्सी पिटिशनर है, उसी खानदान से आते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटना टेका था। सर, बयान की निंदा तो अब हो गई, लेकिन जो कार्रवाई हुई है क्या उस पर शाबाशी मिलेगी, क्या उसको सराहा जाएगा? ये उनका इंटरनल चीज है, अभी बहुत सारी चीजों में करना है और सराहनीय चीज तो होनी चाहिए। अब गलत को गलत कहना अगर बुराई है तो ये अच्छी बात है ना। उन्होंने कुछ अगर उम्मीद थी कांग्रेस से भी की जाए आने वाले वक्त में, महसूस हुआ कि नहीं, उन्हें महसूस हुआ यही उम्मीद थी कांग्रेस से भी की जाए सर, बापू से गोडसे बड़े ने उन्हें महसूस हुआ कि उनकी देर आ रहे हैं, दुरुस्त आ रहे हैं। बट ठीक है, थोड़ा देश के बारे में भी सोचें। हो गया जो करना था उन्होंने कर लिया, हिंदू मुस्लिम जात पात सब कर लिया। अब थोड़ा एजुकेशन की तरफ आए, डेवलपमेंट की तरफ आए, मेडिकल की तरफ आए, मतलब देश के विषय में सोचना शुरू करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शाकिर अली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।